नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान, हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। अगस्तमुनि मंदाकिनी क्षेत्र पंचायत की अंतिम त्रैमासिक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में सड़क, बिजली, पानी, मुआवजे जैसे पुराने मुद्दे छाए रहे। वही बैठक में कमीशनखोरी का मुद्दा भी प्रमुखता के साथ उठाया गया। प्रधानों ने आरोप लगाया कि मनरेगा के कार्यों को पास करवाने के लिए ग्राम विकास अधिकारी और विभागीय जी 20% कमीशन मांगते हैं। ये प्रथा पिछले काफी समय से चली आ रही है, लेकिन इस पर जिम्मेदार अधिकारियों का कोई अंकुश नहीं है। ऐसे में जहां विकास कार्यों की गुणवत्ता खराब हो रही है, तो वहीं भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है। प्रधानों की शिकायत पर जिलाधिकारी मंगेश गिल्डियाल ने बड़ी सख्ती दिखाई है और कहा कि कोई भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी कमीशन ले रहा है तो उसका नाम दिया जाए, हो सके तो उसके खिलाफ सबूत भी दिखाए जाएं ताकि तत्काल कार्रवाई की जाए। देखिए, क्षेत्र पंचायत में माननीय सदस्यगण जो मुद्दे उठाते हैं वो कई बार उस स्तर के मुद्दे भी नहीं होते हैं, क्योंकि उनका निस्तारण बहुत अलग अलग स्तरों से होना होता है। लेकिन क्षेत्र पंचायत में जो मुद्दे इस स्तर के उठे हैं कि जो क्षेत्र पंचायत के स्तर पर और जिला स्तर पर निस्तारित होने वाले मुद्दे हों, उनका निस्तारण होना चाहिए, ये मूल भावना है। और बड़ी खुशी है कि 5 साल सभी सदस्यों ने क्षेत्र पंचायत में बहुत अच्छे ढंग से काम किया। उत्तराखंड में अब मॉनसून ने शुरुआती दस्तक दे दी है, जिसके चलते बारिश की संभावना भी बनने लगी है। प्रदेश में भीषण गर्मी से भी लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड में 3 तारीख से मॉनसून दस्तक देने वाला है और प्रदेश में मौसम विभाग ने भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के निदेशक का कहना है कि 3 तारीख से प्रदेश में मॉनसून दस्तक देने वाला है और 10 तारीख तक उत्तराखंड में लगातार बारिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 3 से 5 तारीख तक भारी से भारी बारिश देखने की संभावना भी है। खासतौर पर कुमाऊं के नैनीताल, उधम सिंह नगर और अल्मोड़ा में भारी बारिश होने की संभावना है। देखिए, बारिश के लिए अगर बात करते हैं तो एक्टिविटीज शुरुआत थोड़ी होनी शुरू हो गई। अब जैसे आप 3-4 दिन पहले देख रहे थे कि ड्राई सा हो गया था फिर से, और अब जो कल से मैं कहूँ 2 तारीख से जो है जो एक्टिविटी है वो मेनी प्लेसेस तक शुरू हो जाएगी, और 3 से और उसमें जो इंटेंसिटी वाइज भी देखेंगे तो वो इंटेंसिटी भी वो बढ़ेगी। तो मैं कहूंगा कि 3 से लेके आगे 9-10 तारीख तक के लिए पूरे सप्ताह जो अच्छी रेन जो है पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम हो मिलने वाली है। उत्तराखंड के भीमताल में गुलदार के शावक का कुचला हुआ शव सड़क पर दिखने से सनसनी फैल गई। भीमताल से काठ गोदाम मार्ग पर आमडाली नामक स्थान पर शावक का पिछला हिस्सा किसी वाहन से कुचल गया, जिससे उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार इस क्षेत्र में गुलदार के शावक अक्सर देखे जाते हैं। राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग को दी। काफी समय बीत जाने के बाद भी इन दोनों विभागों में से कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच पाया। अभी मैं घर को आ रहा था, भीमताल को जा रहा था दूध लेके, तो मैंने देखा गुलदार का बच्चा पड़ा हुआ था। ये रोड पास करते हुए कोई गाड़ी वाला इनको दबा गया। पौड़ी गढ़वाल के सतपुली के बंधुन गाँव में विगत 3 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले पौड़ी में कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस बैठक में जल संवर्धन पर नीति बनाई गई थी। मुख्यमंत्री ने नारा दिया था कि जल बचाओ, लेकिन इसका ठीक उल्टा ग्राम बंदूर में हो रहा है। बंदूर में इस वक्त 1000 से 1200 के करीब लोग रहते हैं। यहाँ पर इंटर कॉलेज, प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र भी है। एक ही स्रोत से इन सभी जगहों पर जलापूर्ति की जाती है, लेकिन इस समय ग्राम गिलानी से PMGSY की सड़क बन रही है। अब जल स्रोत सड़क के बीच में आ रहा है, जहां पर ब्लास्टिंग की जाएगी। ब्लास्टिंग से पानी का स्रोत खत्म होने की संभावना है। लोग इस बात को कई जगहों पर कह चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। स्थानीय विधायक और प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को भी यहाँ के लोग ये बात बता चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि सरकार इस ओर ध्यान दे। मैं सोनी रखा था, मैं पूरे प्रशासन के साथ और पूरे जो हमारे नेता हैं उनके साथ कंटिन्यू टच में रहा, उनसे बातें की, SDM साहब से बात की, DM साहब से बात की, लेकिन हमें कोई भी यहाँ पे निष्कर्ष नहीं निकला इसका। दिनों से यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा। हम लोग यहाँ आते आते बहुत परेशान हो गए हैं। यहाँ पे हमने प्रशासन को सबको सूचना दी है, यहाँ कोई आ नहीं रहा है। एक बार आए थे लेकिन देख के चले गए, कोई मतलब ही नहीं है। श्रीनगर गढ़वाल के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज में तब हड़कंप मच गया जब एक गुलदार कैंपस में घुस आया। ये घटना रविवार की है, जब मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी एक सेमिनार के आयोजन की तैयारियों को कर रहे थे। तभी गुलदार ने कॉलेज के फार्मालॉजी विभाग के समीप एक कर्मचारी पर हमला बोल दिया। हमले में कर्मचारी घायल हो गया। वहीं गुलदार की धमक से मेडिकल कॉलेज प्रशासन और छात्रों में डर का माहौल बना रहा। पुलिस प्रशासन और वन विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर गुलदार की खोजबीन शुरू कर दी।
करीब 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी गुलदार का पता नहीं चल पाया। फिलहाल वन विभाग ने कॉलेज प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं वन विभाग ने मेडिकल कॉलेज में पिंजरा लगा दिया है और गुलदार की तलाश जारी है। ये आज हमें 10वें नंबर मेडिकल कॉलेज से सूचना मिली थी कि यहाँ पे बच्चों का प्रैक्टिकल चल रहा है और सेमिनार चल रहा है, तो अचानक जो है प्रेशर के अंदर बाघ घुस गया है जिसने जो है किसी कलर पे अटैक कर दिया है और बाघ अंदर ही, तो सूचना पर हम लोग यहाँ पे आए। उसके बाद जो अंदर डॉक्टर वगैरह थे उनको बाहर बुलाया गया और बिल्डिंग को जो है चारों तरफ से बंद फॉरेस्ट को सूचना दी गई है और फॉरेस्ट के पहुँचते ही जो है यहाँ पे रिसर्च अभियान चलाया जाएगा। बागेश्वर में बीजेपी संगठन की जिला कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। जिला प्रभारी कैलाश शर्मा ने लोकसभा चुनाव में जीत के लिए कार्यकर्ताओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये जीत सभी के एकजुट प्रयास का परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 सालों के अच्छे काम पर जनता ने इनाम दिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं के संगठन के प्रति जिम्मेदारी अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। इस दौरान उन्होंने सदस्यता अभियान पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ता कमर कसने, साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को भी जानकारी दी जाए ताकि उसका लाभ लोगों को मिल सके। लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग ने अपनी जिला कार्य समिति भी नहीं की। जिला कार्य समिति में अभी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हर 3 वर्ष के बाद सदस्यता अभियान चलता है, तो आज हमारी जिले की सदस्यता अभियान के हमने 6 जुलाई से प्रारंभ करना है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन के दिन से। उस दिन से प्रारंभ करेंगे तो उससे पहले की ये सदस्यता की तैयारी बैठक है, जिला कार्य समिति और सदस्यता अभियान को प्रारंभ करने के लिए बैठक। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।